स्वागत है आपका सुनो समाचार में। सरस्वती पूजा को लेकर जनता बाजार थाना परिसर में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष विकास कुमार ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि डीजे एवं ऑर्केस्ट्रा पर पूर्ण पाबंदी रहेगी तथा लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए एसडीओ से अनुमति लेनी होगी। थानाध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि पूजा या विसर्जन के समय डीजे या ऑर्केस्ट्रा का उपयोग करते हुए यदि कोई पकड़ा गया तो उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारी जयशंकर प्रसाद ने भाईचारे के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने पर बल दिया। बैठक में अनुज्ञप्तिधारियों के अलावे प्रमुख मनोज शाह, पूर्व प्रमुख रामाशीष यादव, जितेंद्र सोनी, असलम खां, राकेश कुमार शाह, मुजफ्फर इलिया, श्रीराम चौधरी सहित दर्जनों लोग शामिल थे। क्षेत्रीय खबरों से अपडेट रहने के लिए सुनो समाचार चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हाँ सर, बताइएगा सर, थाना अध्यक्ष से मैं पूछूंगा कि सरस्वती पूजा में क्या क्या पाबंदी है, क्या क्या अलाउ है। इस बार साथी समिति की बैठक में सभी लाइसेंसधारियों और डीजे संचालकों को स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि इस बार डीजे का प्रयोग किसी भी हाल में नहीं होना है। जी, और क्या बने रूट उड़ के भी बात हुई है, जैसे पाषाण वगैरह की रूट जो है पूर्व निर्धारित रूट में ही जो है मूर्ति का विसर्जन होगा और निर्धारित तिथि के अंदर ही सभी लाइसेंसधारियों को मूर्ति का विसर्जन जो है शांति माहौल में कर देना है और किसी भी जगह पर अश्लील गाना न बजे इसका भी ख्याल रखना है, गरिमा का ख्याल रखना है। लाउड स्पीकर के साउंड का भी कोई मापदंड बताया गया है? हाँ, लाउड स्पीकर के लिए संबंधित जो है पदाधिकारी से अपना अनुमति लेकर के वो बजाए और डीजे का प्रयोग तो एकदम जो है उसका प्रयोग जो है वर्जित रहेगा। जी सर, तो सर आप बताएंगे भाषण जो होगा, मूर्ति विसर्जन जो होगा, कब का समय निर्धारित किए हैं? मूर्ति विसर्जन का समय 27 तारीख है। 27 को मैंने 26 को कल है पूजा, अब परसों के विसर्जन, कब तक विसर्जन कर देना है सर? सब लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए कि 27 को विसर्जन हम लोग कर लें। जी, तो विसर्जन में क्या उसमें कुछ जैसे कि डीजे वगैरह उसमें भी डीजे तो बजेगा ही, बजेगा तो बजना ही नहीं, सब प्रसिद्ध बन रहा है। ऑर्केस्ट्रा वगैरह पर ऑर्केस्ट्रा भी कहा गया कि नहीं करेंगे, वो लोग भी स्वीकार किए हम लोग नहीं चलाएंगे। जी, और लाउड स्पीकर की जहाँ तक बात है तो लेने की तो परमिशन लेना है, मैंने थोड़ा सा आइडिया को अगर अभी के लिए अनुमति लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कोई भी आप बात जब बजाते हो आपको एसडीओ से अनुमति लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा एसडीओ साहब। क्या तो भी सर ये मूर्ति स्थापना के लिए क्या मैंने अनुमति जो लिया जाता है हर एक साल? हाँ, तो लिया गया है, लिया गया है, उसके लिए आवेदन मिल गया है। हाँ, आवेदन प्राप्त। प्रमुख साहब, इसके बारे में आप बताएं, पूजा किस तरह मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा? यह शांतिपूर्वक मनाना है, प्रभारी इसके बारे में आपका क्या सहयोग है? गाइडलाइन जो है उसके आधार पर चलना है सभी पूजा पंडालों को और शांतिपूर्वक पूजा मना के इसी उल्लास में इसको खत्म करना है। उसमें आपका क्या सहयोग है शांति समिति को, मैंने बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए? शांति बनाए रख लिए, गाइड